हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आपको जिस नोटिफिकेशन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, एसएससी ने उसको आज रिलीज कर दिया है। सीजीएल 2021 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएससी ने आज शाम के ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन आपकी कब से स्टार्ट होगी। 23 दिसंबर से आपकी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 23 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट में कब तक आपका 11:30 रात तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपका जो ऑनलाइन फी पेमेंट है वो आपका 25 जनवरी 2021 रात के 11:30 तक कर सकते हैं। फिर आपका ऑफलाइन चालान जनरेशन की आपकी 26 जनवरी 2022 है, आपका 11:30 तक ये भी कर सकते हैं। ठीक है, चालान के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, आपके 27 जनवरी तक कर सकते हैं। अगर आपको करेक्शन कोई करना है तो उसके लिए भी विंडो दोबारा से ओपन होगी। 28 जनवरी से 1 फरवरी के बीच तक आपकी ओपन होगी और इसकी जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल 2022 है। इसका मतलब आपको अभी से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और अभी से आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरीके से आप स्टार्ट कर दीजिए हर हाल में। ठीक है, आपका जो आपको पता है कि TL2 और TL3 अब SSC एक साथ कराता है, तो उसकी भी आप तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बात करते हैं कि भाई अभी कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप सभी को सारी पोस्ट पता है कि कौन कौन सी पोस्ट SSC CGL के अंडर में आती हैं। अभी हालांकि टेंटेटिव वैकेंसी आपकी कोई भी रिलीज नहीं की गई है, तो जिसके कारण आपको अभी पोस्ट नहीं पता चल सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि एज क्राइटेरिया आप बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एज क्राइटेरिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं हम कि भाई एज क्राइटेरिया किस तरीके से काउंट होगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एज क्राइटेरिया का पूरा प्रोफार्मा कि किस तरीके से काउंट होगा। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया गया है कि किसको कैसा क्या रिलैक्सेशन, आपको SC ST OBC PWD रिलैक्सेशन आपको दिया जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ अलग सा आपको दिया गया है कि कैसे क्या कास्ट सर्टिफिकेट आपका AWS आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें दी गई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक बार आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, एक तो AO के लिए, दूसरा GSO के लिए आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि आप अप्लीकेबल हैं उसके लिए या नहीं है। ठीक है, बाकी सबके लिए आपका सिर्फ ग्रेजुएशन रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता। आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर देख लीजिएगा। हालांकि वैसे हर जगह अब SSC आपका एग्जाम करा देती है हर सिटी में, तो आपको कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बात करते हैं कि भाई आपका कैसा क्या, तो जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि आपका 3 टीयर में होता है। पहला भी आपका CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। Tier 1 Tier 2 आपका भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। Tier 3 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है पेन एंड पेपर मोड। और उसके बाद आपका CPT, CPT आपका मैं बता दूं कि CPT जो आपका होता है वो 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, जो भी आपकी 4600 ग्रेड वाली मिनिस्ट्रिक पोस्ट होती है, CSS हो गई, आपके MEA हो गई, ये सब के लिए आपका CPT होता है। 100 मार्क्स का होता है, उसमें क्वालिफाई सिर्फ आपको करना पड़ता है। ठीक है, आप फिर इस बार डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होता है। ये आपका जो आपकी नॉन इंटरव्यू पोस्ट होती है, जैसे आपकी 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, उनके लिए आपकी टाइपिंग होती है। और हालांकि अब तो बाकी सबके लिए भी कंपल्सरी आपकी कर दी गई है, आप चाहो तो देख सकते हो ऊपर जाके। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई Tier 1 और Tier 2 का सिलेबस कैसा क्या रहेगा। तो बात करते हैं Tier 1 का, तो इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। GS, जी आपका रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का आपका आएगा। बात करते हैं Paper 2 की, तो इसमें आपका मैथ आएगी, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 मार्क्स के, 2 घंटा मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आपकी इंग्लिश आएगी, 200 क्वेश्चन होंगे आपके, 200 मार्क्स के। ठीक है, इसमें आपको 2 घंटा मिलेगा और अलग से जो स्क्राइब है उनको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा। Paper 3 आपका स्टेटिस का होगा, जो जिन्होंने GSO की पोस्ट चुनी है, ठीक है, उनके लिए पेपर होगा। ठीक है, अब फोर्थ जो पेपर आपका है, जिन्होंने AA के लिए आपका अप्लाई किया है उसके लिए पेपर होगा आपका फोर्थ पेपर। ठीक है, अब Tier 1 और Tier 2 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका आएगा। आपका Tier 3 जो आपका होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, पेन और पेपर बोर्ड, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और ये जो पेपर होगा आपका, ये Tier 2 के साथ ही होगा। ठीक है, और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि आपका CPT स्किल टेस्ट। ये आपका हर रीजन, जो रीजन होता है, जैसे सेंट्रल, नॉर्थ, यहाँ पर ही आपका CPT और स्किल टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या चीजें कवर अप होंगी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और बाकी आपको दिया गया है यहाँ पे एक
मोड ऑफ सिलेक्शन आपको दिया गया है कि भाई किस तरीके से आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका यूआर के लिए 30% हो गया, ओबीसी के लिए 25% और अदर्स के लिए 20% हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई इनमें से कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनके लिए आपको अलग से क्राइटेरिया चाहिए होता है, फिजिकल क्राइटेरिया। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप ध्यान से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूले, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सी ऐसी अपडेट होती है जो वहां पर आपको मिलती है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि एसएससी ने इसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला है, और वो ये है कि आपकी जो एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ है वो आपकी यही होगी। अदरवाइज आप ये सब जो भी फोटोग्राफ अपलोड करेंगे ये आपकी अप्लीकेबल नहीं होगी और आपका अप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से आप ये चीज बहुत ही ध्यान से आप करिएगा, और अलग से इसका एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है। अगर इसके बाद आपने कोई भी ऑब्जेक्शन किया तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है? तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन, इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। मैंने सारी चीजें इसमें कवर की हैं, बाकी इसके अलावा कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो इस चैनल पे मैं आपको एग्जाम डेट अगर नोटिफिकेशन कुछ भी अगर रहता है तो इस चैनल पे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी अपडेट होती है जो आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलती रहती है, और आप अपनी स्टडी लगातार करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। जिसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस चैनल पे मुझे बता सकते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा इस चैनल पे आपकी हेल्प करने की। ओके, बाय।